भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे साथ हैं। विष्णुदत्त शर्मा जी की पतंग आसमान छू रही है, पतंग आसमान छू रही है। देखिए, ये पतंग मेरी नहीं, ये पतंग भारत का नेतृत्व कर रही है। ये पतंग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों की अध्यक्षता के प्रतीक के तौर पर आसमान को छू रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अध्यक्षता मिली, हमारा गौरव है, हमारा सौभाग्य है। हम गौरवान्वित है कि खजुराहो में 25 को हम उनके आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत की तैयारियों में मोदी जी के निर्देश पर हम जुटे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो बैठक होगी ऐतिहासिक कल्चरल बैठक है और खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, तो दुनिया के अंदर और ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। जो पतंग इस प्रकार से ऊंचाइयों पर जा रही है, भारत भी उसी प्रकार से दुनिया के अंदर नेतृत्व करने को आगे बढ़ा रहा है। आपकी काफी तैयारियां देखी और आज व्यंजन में वो तैयारियां खास कर बुंदेलखंड के व्यंजन भी, चाहे बरात से लेकर के कैथा की चटनी और पता नहीं क्या क्या, यहाँ के जो व्यंजन है लोकल डिशेज के साथ, जो मोदी जी कहते हैं कि आने वाले लोगों को मोटा अनाज मिलेट्स लोकल के हमारी ऐसी जो चीज़ें उनका स्वाद लेंगे और गाँव के अंदर की चाहिए, यहाँ के पन्ना टाइगर रिजर्व को भी वो देखेंगे। तो इस दिशा में आज हम सब लोग पतंग उत्सव भविष्य के माध्यम से आज शुरू करते हैं। आप चंबल से आते हैं और खजुराहो में पूरी तरीके से रच बस गए, क्या खास है खजुराहो? मेरा तो पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश, हमको हमारी पहचान सब जगह से। मेरा तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ से सांसद हूँ। ये G20 की तैयारी में आज जिस तरीके का भोजन थाली में परोसा गया, उससे ये साफ है कि G20 की तैयारी विष्णुदत्त शर्मा की तरफ से पूरी तरीके से पक्की है और वो मोदी के सामने संदेश देना चाहते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।